नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिएगा, 17वीं सीरीज में आपका स्वागत है मैथ की। ठीक है, उम्मीद करते हैं पिछली सीरीज आपने देख ली होगी। और भाई ध्यान से सुनिएगा, आज की सीरीज में हम थोड़े बहुत मिक्सअप क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, और सोमवार से जो सीरीज होगी वापस हम टॉपिक वाइज चालू कर देंगे। और रीजनिंग की जो सीरीज है, रीजनिंग की सीरीज में हम लोग अभी टॉपिक टॉपिक टू चला रहे थे। टॉपिक वाइज भी वीडियो आएगी और अब मिक्सअप क्वेश्चन की भी आएगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। ठीक है भाई, तो चलिएगा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, कभी संख्या बदल के आए हैं, तो भाई टाइप समझिएगा और आता है तो वीडियो रोक के बनाने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कि क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है भाई, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 4,200 रुपये तथा 5 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। आपको पता है ये जो हो जाता है ना, ये क्या होता है? ये मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र धन होता है। साधारण ब्याज की वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप जाके देखिएगा, आपको बेसिक फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे सवाल उसमें आपको करवा रखे हैं। अभी देखिएगा जेडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने बोला है कि 2 साल में, ध्यान से सुनिएगा भाई। ठीक है, इसने बोला है 2 साल में क्या हो जाता है पैसा जो होता है भाई, वो हो जाता है 4,200। तो ये जो 4,200 है ना, ये अमाउंट का काम करेगा, यानी ये मिश्र धन का काम करेगा। ठीक है, और उसने बोला है कि वही पैसा 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 4,500, यानी 4,500 रुपये हो जाता है। सहमत है, 4,500 रुपये हो जाता है, यही बोला है। देखिए इस कंडीशन में करना क्या है, इनका अंतर लीजिए, कितना आ रहा है 3 वर्ष, कितना आ रहा है 3 वर्ष। अच्छा, इधर मैं पूछूं यहां कितने का अंतर है, तो मेरे भाई यहां अंतर है 300 का। कितने का अंतर है? 300 का। आपको पता है ये जो आपको यहां मिला है ना गुड्डू, ये यहां ब्याज का काम करेगा। किसका ब्याज का करेगा? ब्याज। देखो साधारण ब्याज वो होता है जो प्रत्येक वर्ष समान हो, ब्याज पर ब्याज जो होता है वो कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो अब यहां पे समझिएगा, 2 साल में धनराशि 4,200 हो जाती है और 5 साल में 4,500 हो जाती है। तो यहां हम देखिए कि कितने साल बढ़े, 3 साल बढ़े, तो 3 साल में पैसा कितना बढ़ा, 300 रुपये। इसका अंतर 300 ही तो है, तो 3 साल में 300 रुपये बढ़ा। अगर मैं यहां से 1 वर्ष का मान निकालूं तो वो 3 से कट जाएगा और 3 से भागा देने पे कितना आएगा, 100 रुपये। क्या आ जाएगा? 100 रुपये ब्याज के। तो भाई यहां से हमें ये क्लियर हो गया है, ध्यान से सुनिएगा कि 1 साल का ब्याज जो है वो 100 रुपये है। 1 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 2 साल का 200 रुपये, तो भाई 3 साल का 300 रुपये। इसीलिए मैंने लिखा था ये 3 साल का 300 रुपये क्या है, ब्याज है। यहां तक सहमत है? अब देखिएगा सवाल में हमें क्या पूछा है, दर पूछी है, हमसे मूलधन नहीं पूछा है गुड्डू। एक क्वेश्चन यहाँ पे मूलधन का भी आता है। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, आपको पता ही है ये अमाउंट। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं पूछूं 1 साल का ब्याज कितना है, तो 100 रुपये, तो भाई 2 साल का कितना होगा, 200 रुपये। आप इससे भी सवाल कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, हम छोटके वाले से कर रहे हैं। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 2 साल का 200 रुपये। अगर मैं इसमें से ब्याज की राशि हटा दूं, अगर मैं इसमें से ब्याज की राशि हटा दूं, तो अब जो राशि बचेगी ना, उसे ही मूलधन कहा जाएगा, उसे ही मूलधन कहा जाएगा। तो मूलधन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 4,000। क्या बोलेंगे भाई, 4,000। ठीक है, और यहां ब्याज का काम कौन कर रहा है, 200। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, सबसे साधारण फॉर्मूला एक होता है साधारण ब्याज का, कि PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां पे ये बताइए ब्याज का काम कौन कर रहा है, तो ब्याज का काम कर रहा है 200। ठीक है, यहां मूलधन का काम कौन कर रहा है, तो भाई मूलधन हो जाएगा 4,000। दर हमें पता करनी है और बताइए समय कितना ले, 5 वर्ष की 2 वर्ष। तो जब ब्याज आपने 2 साल का लिया है, तो समय भी कितने का लेंगे, 2 साल का। ठीक है, तो टाइम की जगह 2 आ जाएगा और भागा किसका दे दे, तो 100 का। चलिए काट देते हैं इसको बड़े प्यार से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0, और ये 4 से कटेगा 5 बार। आप भी जानते हैं ये हो जाएगा 2R = 5, तो R की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी 5/2, जिसको आप कह सकते हैं 2 सही 1/2, यानी 2.5%। कितना प्रतिशत मेरे भाई, 2.5%। ये पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, दर पूछी जाती है यहां पे,
ठीक है भाई, अब सुनिएगा, देख लेना आप इसको अच्छे से। अब मैं इसको हटाता हूं, यही बात अगर हम 4500 से करें तो भी यही होना है, देख लीजिए एक बार, ताकि आगे के संख्या बदल के सवाल आए तब खुद कर लें। जैसे कि यहां मैं बात करता हूं, एक साल का ब्याज 100 रुपए, तो बताइए 5 साल का कितना, 500 रुपए। कुछ मत करिए, 5 का गुणा कर दें, 500। तो ये बताइए अगर 500 रुपए ब्याज के हैं, 500 रुपए ब्याज के हैं, तो बचा कितना, 4000। कितना बचा भाई, 4000। तो 4000 क्या होगा, 4000 क्या होगा, मूलधन होगा। क्या होगा भाई, मूलधन। अब देखिए ध्यान से, यही हम मान रख देते हैं तो साधारण ब्याज का काम कर रहा है 500, मूलधन हो जाएगा 4000। दर हमें निकालनी है, और मेरे भाई समय 2 साल लेंगे कि 5 साल, तो 5 साल का ब्याज लिया है तो समय 5 साल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा यहां काट देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां पे आपको दिख रहा होगा 1 जीरो से 1 जीरो। 5 से अगर हम भागा दे तो 5 से 10 बार हो जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। देखा, बात वही आ गई, 2R बराबर कितना हो जाएगा, 5, और R बराबर हो जाएगा 5/2। मैं इसे लिख के बता रहा हूं ताकि कोई पहले बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाए, वरना वही आप काट के फिनिश कर दीजिएगा। सामने दिख रहा है 5 का आधा हो जाएगा 2.5। ठीक है भाई, तो यहां 5/2 आंसर आ गया, यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 2 सही 1/2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, 800 रुपए की एक धन राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 साल में 1000 हो जाती है, 2 साल में 1000 हो जाती है। लो भाई, यहां पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना सा बोला है कि 800 रुपए की धनराशि 1000 हो जाती है, तो जो हो जाती है वो मिश्र धन है, और जो ये 800 है ये आपका मूलधन है। जैसे आपने मुझसे 800 रुपए लिए, या फिर मैंने आपसे 800 रुपए लिए, और मैं आपको 2 साल बाद 1000 रुपए लौटा रहा हूं, तो भाई मैं आपको एक्स्ट्रा कितना पैसा दे रहा हूं, 200 रुपए, और ये 200 रुपए ही, ये 200 रुपए ही क्या है मेरे भाई, तो ये ब्याज है। समझ गए, आपको जो 200 ज्यादा मिल रहा है ना वो ब्याज है। चलिएगा, यहाँ पे वही काम करते हैं जो पिछले सवाल में किए थे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चलिए, यहाँ ब्याज का काम कौन कर रहा है, 200 रुपए का ब्याज मिला मेरे भाई, 200 रुपए का ब्याज मिला, मूलधन कितना है, तो सर 800 रुपए है, मूलधन 800 रुपए है, दर पता है क्या, पता होती तो पूछता ही का है, अच्छा समय क्या है, तो समय है 2 वर्ष, कितना वर्ष, 2 वर्ष, भागा दे देते हैं 100 का, भागा दे देते हैं 100 का। चलिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और यहाँ पे अगर मैं 2 से काटू तो 2 से कट जाएगा ये 100 बार, दिख रहा है भाई। ठीक है, अगर हम आगे इसको कैलकुलेट करें तो भाई हम 4 से यूज कर सकते हैं, 4 से 25 और 4 से 2 बार, यानी मैं बोल सकता हूं 2R, कैसे, R का गुणा 2 से होगा, 2R बराबर हो जाएगा 25, यानी 25, तो R बराबर दर आ जाएगी 25/2, जिसको आप कह सकते हैं 12 सही 1/2%, 12.5%, 12 सही 1/2%, यानी पहले ऑप्शन में शामिल हो जाएंगे 12.5। ठीक है, 12.5, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 साल में 880 रुपए तथा 3 साल में 920 रुपए हो जाती है, वह धनराशि बताइए। देखो भाई, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना, ये उसी पे आधारित है, आपसे मूलधन पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, RW का पहला क्वेश्चन, जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, करना है आपको भी, नहीं छोड़ना है। चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखो भाई, 4 दूरी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बनता है, सुनिएगा। कृष्णा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, टाइम पे तो वो जाता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके ऑफिस से
ऑफिस की दूरी बताइए, डिस्टेंस ज्यादा पूछता है इस क्वेश्चन में बहुत बार, चलिएगा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यदि वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो भाई साहब वहां पहुंचा 5 मिनट देरी से, क्या पूछा 5 मिनट देरी से, और जब वहां 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो मेरे भाई वहां 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक तो दूरी भी पूछी जाती है और कभी कभी सही समय भी पूछता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको जिमने का निमंत्रण आया और जिमने जाना है, तो अगर आप 18 की स्पीड से जा रहे हो तो 5 मिनट लेट हो जाओगे, यानी गुलाब जामुन खत्म, ठीक है। और अगर आप 24 की चाल से गए तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे, यानी अभी जिमना चालू भी नहीं हुआ। तो सही समय एक तो ये बात होती है, दूसरा कि जहां जाना था वहां तक की दूरी क्या है। तो भाई देखिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालें, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं सीधा सा, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आपको जो तरीका लगाना है वो ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे सेम एलिमेंट दे दे तो घटाइएगा और अपोजिट दे तो जोड़िएगा। जैसे आप लाभ हानि में भी पढ़े होंगे, लाभ लाभ होता है तो माइनस और लाभ हानि होता है तो प्लस, वही हम यहां करने वाले हैं। उसकी वजह सुनिएगा क्यों, आपसे बोले देरी देरी तो माइनस, आपसे बोले पहले पहले तो माइनस, लेकिन देरी पहले तो प्लस, पहले देरी तो भाई साहब प्लस, यानी अपोजिट हो ना तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, और सेम होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है गुड्डू, क्योंकि वो समय का अंतर होता है। जैसे पता है तुलनात्मक बात हो ना, कि वो मुझसे 10 मिनट पहले पहुंच गया, वो मुझसे 10 मिनट बाद पहुंचा, तो वहां मैंने आपको बताया अंतर लेते हैं, तो ये अंतर ही लेते हैं। लेकिन यहां कंडीशन समझिएगा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहां कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, देरी पहले बोले तो जोड़ेंगे, अपोजिट हो तो एक जैसा हो तो क्या करेंगे घटा देंगे, चलिएगा। तो यहां 18 है यहां 24 है, तो हम लिख देंगे 18 गुणा 24, और ये भाई साहब इन दोनों में अंतर कितने का है तो 6 का, कितने का अंतर है 6 का, गुणा कर देते हैं। अब देखिएगा दूरी बराबर क्या बताया था मैंने, चाल गुणा समय, तो ये तो हो गई चाल की बात, अब करते हैं समय की बात। तो ये देरी पहले वाला केस है, तो जोड़ देते हैं 5 और 5 कितना होगा 10, 5 और 5 कितना होगा 10। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको देना पड़ेगा 60 का भाग। बोले ये कहां से आ गया, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इनका अंतर भी काय में आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो गुड्डू अभी जो आपको ये समय दे रखा है बाबू, ये काय में दे रखा है मिनट में, काय में दे रखा है, देखो ये रहा 5 मिनट, मिनट में, तो मिनट मिनट को जोड़ने पे मिनट ही होगा, लेकिन हमें समय किसमें चाहिएगा घंटे में, क्योंकि चाल किसमें है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम किसका भागा दे देंगे 60 का, उससे ये घंटे में बन जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये शॉर्ट तरीका है, वरना हमें क्या करना पड़ेगा समय बराबर समय रखना पड़ेगा, जिसके कारण वो x मानना पड़ेगा। चलो भाई इसको काट देते हैं, तो यहां पे शून्य से शून्य कैंसिल, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 तिया 12, 12 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 किलोमीटर, ठीक है 12 किलोमीटर आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़िए। अरुण जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो बाबू वहां 12 मिनट देरी से पहुंचा, लो भाई 12 मिनट देरी से पहुंचा, और जब वहां 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 6 मिनट देरी से पहुंचा, 6 मिनट देरी से पहुंचा, ये समय का अंतराल लेते हैं हम लोग, ठीक है देरी से पहुंचा। अब देखिएगा यहां पे देरी देरी है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहां देखें चाल, तो 4 गुणा 5 और बाबू इसमें अंतर कितने का है 1 का, गुणा ये बताइए यहां कितने का अंतर आएगा, तो यहां घटाएंगे सर तो 6 का अंतर है, और भाग देंगे 60 का,
क्यों? क्योंकि भाई साहब ये मिनट में, ये भी मिनट में, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए मिनट में 60 का भाग देंगे तो घंटे बन जाएगा। आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि यूनिट को छोटा बनाना है तो गुणा करते हैं, और बड़का बनाना है, बड़ा बनाना है तो भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहीं इसको काट देते हैं। तो 5 से यहां पे देखिएगा, 5 6 से काट देते हैं, 6 से 10 बार, और 5 से काट दिया जाए तो 5 दूना 10, फिर 2 से काट दिया जाए तो 2 दूनी 4, और नीचे 1 का कछु माजना नहीं होता मेरे भाई, तो 2 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बहुत अच्छा सा सवाल बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या रहता है, कभी कभी एसएससी में चीजें घुमा देता है। जैसे यहाँ क्या बोला है, देखिए, एक व्यक्ति 10 की चाल से जाएगा तो 6 मिनट देरी से पहुंचेगा। मैं लिख भी देता हूं, अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कभी विलंब भी लिख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अब यहां पे 2 मत लिखना, समझ जाइएगा, अगर वहां अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो भाई पहले जा रहा था 10 की चाल से, अब जाएगा 12 की चाल से, अब जाएगा 12 की चाल से। सर 12 कहां से आया भाई साहब, 2 की चाल उसने बढ़ा दी है तो अब चाल क्या हो गई है, 12। अगर वो 12 की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। मजे ही मजे भैया, अब तो उसको खाना भी मिल जाएगा, 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा, समझ गए, 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो भैया यहां 10 और ये 12, तो ये 10 गुणा 12, इसमें अंतर कितने का है, तो 2 का। ठीक है, अच्छा यहां जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो भैया अपोजिट एलिमेंट है देरी पहले का कैसे, ठीक है, तो 6 और 6 हो जाएगा 12, और भाग दे देंगे 60 का, भाग दे देंगे 60 का। चलिएगा, तो यहां क्या दिख रहा है दोस्त, 12 × 5 = 60। ठीक है, और यहाँ पे समझदारी से काम करिएगा। देखिए आपको बताए 5 से 2 तो कटेगा नहीं, 5 से 2 तो कटेगा नहीं, तो मैं गुणा कर देता हूं, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, और भाई साहब ये 10 से 10 फिनिश, 10 से 10 फिनिश, तो भाई साहब 12 आंसर आ जाएगा। ये लीजिए 12 किलोमीटर, सहमत है, 12 किलोमीटर। सभी क्वेश्चन जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो हम कर रहे हैं, और आप पेपर लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख भी जाएंगे। लो भैया ये क्वेश्चन भी जीडी में पूछा गया है, और थोड़ा समझिएगा, उसी पे आधारित है, बहुत प्यारा सवाल है। रघु और रमन एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, पता ही इनके समय का अंतर है कि रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच गया, तो भैया दूसरा आदमी 30 मिनट बाद में पहुंचा, यही वाला केस है। ठीक है, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताइए, उसी टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक और चाल क्या है दोस्त, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 समय नहीं दिया, 1 ही समय दे दिया है, अभी मजे आ जाएंगे। देखिएगा क्या समय दिया उसने, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, ये बोला है 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। अभी आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, आपने जब ये सवाल किया था, कहां गया रे, ये रहा ये वाला सवाल, तो मैंने बताया था आपको कि ये जो 12 है ना गुड्डू, इनके समय का अंतर है, अंतराल है, समय अंतराल है ये। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो वहां पे पता है आपको, ये जो दे रखा है ना 30, ये भी समय का अंतर है। देखो देखिए, जैसे ये 10 की चाल से गया तो ये 30 मिनट पहले पहुंच गया, ये 8 की चाल से गया तो ये 30 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है, तो ये तुलनात्मक बात हो रही है ना, कंपेरिजन, दोनों कंपेरिजन हो रहा है, तो वहां पर ये अंतर ही है। ठीक है, अब इस सवाल को हम उसी तरीके से कर देंगे जैसे हम उसको किए थे, पहली चाल 10, दूसरी चाल 8, दोनों में अंतर 2 का। ठीक है, इनटू लगाइए, ये 30 मिनट अंतर है, इसको ऐसा कैसा लिख दो, और भागा दे दो 60 का, भागा दे दो 60 का। ये 30 मिनट में कुछ जोड़ना घटाना है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं कछु है। चलिएगा, तो अब देखें
30 दूना 60 और ये हो जाएगा 2 चौक 8। यहां अगर हम काट दें तो बाबू 2 से इसको काट देते, 2 पंजे 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो इस टाइप से निपटा दीजिएगा, हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। गंगाधरी शक्ति माने, ठीक है। चलिए एक और बात बताता हूं, कभी आपको ये चीज समझ नहीं भी आई हो कि सर यार वो देरी पहले तो आ गया था, इसमें क्या लगा ऐसा। तो देखो मैं आपको ये बताता हूं कि चाल, देखो गुड्डू चाल दे रखी थी 10 और 8, यही थी। अगर इसका मैं रेशियो बनाता हूं तो आप भी जानते हैं 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 यही होगा। और आप भी जानते हैं चाल का उल्टा क्या होता है, समय। चाल का उल्टा क्या होता है, समय। इसके पहली वाली क्लास में इस प्रकार के मैंने सवाल भी बताए थे, चाल का उल्टा होता है समय। अब आपको पता है, आपको समय का अंतर दे रखा है, आपको समय का अंतर दे रखा है कितना मिनट, तो सर 30 मिनट ये दे रखा है। अभी समझा है ना कि तुलनात्मक बात हो रही है, और जहां तुलनात्मक बात हो रही है समझ जाइए उस समय का अंतर है। तो चलिएगा इस अंतर से, इस अंतर से इसको काटते हैं तो 1 बराबर में रखता हूं 30 मिनट के, 1 बराबर रखता हूं 30 के, और 1 से भागा देने पर कोई होगा क्या, कुछ नहीं होगा। चलिएगा तो 30 का अगर मैं यहां गुणा करता हूं तो 4 तिया 12, 120 मिनट आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा। और अगर मैं यहां गुणा करता हूं तो 5 तिया 15, 150 मिनट आ जाएगा, 150 मिनट आ जाएगा। ये लीजिए, यानी कि इस चाल से गए तो 120 मिनट में पहुंच गए, और इस चाल से गए तो 150 मिनट में पहुंचे। आप इनका अंतर देख लीजिए, 30 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं दूरी निकालूं, यहीं पे मैं दूरी निकालूं तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, ठीक है। तो चाल क्या थी 10, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो मैं चाल लेता हूं 10, 10 की चाल से, 10 की चाल से 120 मिनट तक गाड़ी चलाई, 120 मिनट तक गाड़ी चलाई। अब 120 मिनट है, मैं 2 घंटे भी लिख सकता था, लेकिन मैं इसमें भाग दे देता हूं 60 का, क्योंकि मिनट को मैंने क्या बना लिया, घंटे, ठीक है। चलिएगा तो अगर यहीं पे हम काट दें तो 6 दुनी 12 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 10 दुना 20 20 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया है ना, सेकेंड ऑप्शन। लेकिन गुड्डू आपको इस तरीके से नहीं करना है, जब सवाल आसानी से हो रहा है तो उसको बड़ा मुद्दा क्यों बनाए, ठीक है। ये तरीका हमें आता है, अच्छी बात है, लेकिन उससे कर लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा। मैं लिख देता हूं RW का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा, पढ़िएगा, हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। जिस तरीके से बताया उस तरीके से खत्म कर दीजिएगा भाई। एक ट्रक 12 घंटे में 780 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक कार जिसकी गति ट्रक की गति से 7 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर घंटा अधिक है, ठीक है, 11 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बात करें ट्रक की, ट्रक के बारे में हमें कुछ बात पता है भैया, ट्रक के बारे में ये पता है कि जो ट्रक है, जो ट्रक है वो 780 किलोमीटर की दूरी, 780 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। तो इसमें 12 का भाग दे देते हैं, 12 छंग 72, ठीक है। क्या बचेगा बाबू, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, 65 किलोमीटर प्रति घंटा जो आएगी वो ट्रक की चाल होगी। सहमत है, जो आएगी वो ट्रक की चाल होगी। अब देखिएगा, उसने बोला एक कार जिसकी गति ट्रक की गति से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी अगर मैं 65 से 7 अधिक करूं, 65 से 7 अधिक करूं तो मुझे मिलेगा 72, है ना, 7 5 12 की 2 हासिल एक, बिल्कुल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं पूछूं ये किसकी चाल है, तो गुड्डू ये कार की चाल होगी, ये कार की चाल होगी। ट्रक की चाल 65 और मेरे भाई ये क्या नाम अपना, कार की चाल होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि ये इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है 11 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कौन, कार, कार का बोला है, कार 11 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 72 किलोमीटर तो इसमें 11 का गुणा कर देते हैं, और आप समझ भी गए होंगे दूरी पूछिए तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो ये हो जाएगा भैया 792, 7 2 9 2, ठीक है, किलोमीटर।
एक निश्चित धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 152 रुपए है, वह धन राशि कितनी है। ये क्वेश्चन जीडी में बहुत बनता है इसका, मैं ये साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज पे रिलेटेड है, ठीक है। इसकी भी वीडियो पूरी पड़ी है चैनल पे, आप जाके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको फॉर्मूले बेसिस पे कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ CI डिफरेंस SI, 2 साल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। P विदाउट फॉर्मूले के भी हो जाता है, लेकिन 2 साल का सरल पड़ता है इससे। R/100 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर ही आएगा हमेशा, है ना, 2 साल में लगता है ये, जब हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखे, या फिर कभी कभी क्या होता है गुड्डू कि हमें क्या होता है मूलधन दे देता है और अंतर पूछ लेता है। अभी आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रखा है, वो अंतर है 152। क्या दे रखा है? 152। मूलधन मुझे पता करना है इनटू R/100 का स्क्वायर। आप जानते हैं R का मान कितना है, तो दर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, लिख भी सकते हैं 25, या फिर ऐसा कर लीजिए 5/100, है ना, 5/100 × 5/100, ऐसा भी तो कर देंगे और अच्छा रहेगा। देखिएगा R 5/100 × 5/2 के बार लिख दिया 2 बार, या फिर 25/100 × 100 करना पड़ेगा। चलिए 5 5 25 25 4 100, और 4 का अगर मैं इधर गुणा कर दूं और 100 का भी इधर गुणा होगा, ठीक है, तो 4 × 2 = 8, 5 4 = 20 की 0 हासिल 2, 4 × 1 = 4 × 2 = 6, और ये 2 0 भी उधर चिपका दो, ये हो जाएगा बराबर किसके, प्रिंसिपल के। ये आंसर आ जाएगा 60,800। चलिए भाई, सीधी सी बात कहता हूं कि चौपन है ना, ये चौपन जो है भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी का जगह, तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर, 1 घंटे का मान है ये, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो यहां 60 का भाग दे दो, यहां 60 का भाग दे दो, और जितने मिनट का पूछा है उसका यहां गुणा कर दो, जितने मिनट का पूछा है उसका गुणा कर दो, तो मेरे भाई 1 मिनट का वैल्यू है, तो 1 का गुणा कर देंगे। पर आपको एक चीज बताऊं मैं कि यहां से अगर हम निकालते हैं तो किलोमीटर में वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि 54 किस में है, किलोमीटर में। लेकिन अगर मैं यहीं पे 1000 का गुणा कर दूं, तो मेरा आंसर किस में निकल जाएगा, मीटर में। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे से, जैसे देखिएगा मैं यहां लिख भी देता हूं, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 54 किलोमीटर, 1 घंटे में 54 किलोमीटर, यही तो लिखा है। तो ये बताइए 1 घंटे में के मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर किसके, 54 किलोमीटर के। तो अगर मैं यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 54/60, 54/60 बट ये किस में होगा, किलोमीटर में, यहां से पैदा हुआ है। और मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि 1 घंटे का है, तो 60 का भागा दे दीजिए, मिनट होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, जितने मिनट का पूछे उसका गुणा कर दो। कल के दिन यहाँ पे 3 मिनट का पूछे तो यहाँ 3 का गुणा, 1000 का गुणा इसलिए किया मैंने क्योंकि आंसर मीटर में आ जाएगा, अन्यथा पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो चलिए 0.0654 गुणा कर दूंगा तो 900 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा, 900 मीटर। चलिएगा आगे बढ़े। बोर्ड मास बहुत फेवरेट है SSC GD का, ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, डिवाइड माइनस माइनस है, बनाना चालू कर दीजिए वीडियो को रोक के और देखिए क्या आंसर है आपका। हम भी चालू कर देते हैं इधर धनाधन। बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा, नहीं पता है तो पहली सीरीज जाके देखिएगा, उसमें मैंने बोर्ड मास के बहुत सारे सवाल कराए थे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और अगर देखे हो तो अब तक गुड़ा भी दिए होंगे। तो ब्रैकेट ऑफ यानी का की के पहले काका काकी सोल्व होते हैं, ठीक है, ऑफ यानी पहले गुणा होता है, ऑफ आता है तो डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाते हैं, लेकिन डिवाइड के पहले भी बाबू का वाला गुणा होता है, ठीक है, ये चीज मैंने पहली क्लास में बताई है सीरीज की। तो यहाँ पे 75 है, हम क्या करते हैं ब्रैकेट वाले को देखते हैं, आइए
5/7 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई और 9/14 का उल्टा 14/9। सहमत हैं? चलिए माइनस, इसको अंदर सही करूं तो 3 3 9 और 1 10/3, 10/3 माइनस 3 1 3 और 2 5/3, 5/3। सहमत हो? सही तो करना पड़ेगा ना भाई। अच्छा भले कहा वाला गुणा करेंगे, पर कहा वाले के बाद ब्रैकेट को तो भैया एक करना पड़ेगा ना। जैसे ब्रैकेट में कितनी भी संख्या हो और वो सब एक संख्या हो जाती है ना, तो ब्रैकेट फूट जाता है, मतलब ब्रैकेट खत्म हो जाता है। ऐसा ही काम हम यहाँ करने वाले हैं। 7 2 14 हमें दिख रहा है, 5 2 10/9 ये ब्रैकेट का काम खत्म। माइनस, इसको ले जाएंगे उधर, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं अंदर देखता हूं गुड्डू, तो देखो 3 और 3 का एलसीएम 3 रहेगा और 10 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, 5। सही है ना ये? 3 1 3 और 2 5/3, 3 3 9 और 1 10/3, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे मेन। 75/30 हो जाएगा, 75/30 हो जाएगा, लेकिन मैं भाग नहीं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बता रहा हूं -3/4 है, पहले का गुणा सोलो होगा, तो ये का की जगह मैंने क्या लिख दिया, गुणा। उसके बाद जो यहाँ लिखा है वो ऐसा कैसा, 10/9 -5/3। सहमत है यहां तक? 10/9 -5/3। अब ये है सर, पहले भाग दू कि का वाला गुणा करूं, तो का वाला गुणा करिए पहले। ठीक है, 3 3 9 ये 2 से कट जाएगा 5 बार और ये 2 से कटेगा 2 बार। और बताइए सहमत है? चलिएगा, यहां पे अगर इसको मैं काटता हूं तो ये काट सकता है 15 से, काट दीजिए 15 से 15 5 75 और 15 2 9 30, यानी 5/2 माइनस, यहां भी 5 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 2 6 माइनस, ये हो जाएगा 5/3। 0 बनता दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, चलो एक बार देखिएगा अच्छे से, यहां पे अगर मैं नीचे वाले का एलसीएम लेता हूं गुड्डू, समझिएगा कैसे सोल्व होगा, बहुत सारे तरीके ऐसे, तो नीचे वाले का एलसीएम लेता हूं तो कितना होगा, 6। अब क्या करना है, इससे नीचे वाले को काटना है और जो आ रहा है उसका गुणा ऊपर करेंगे। फिर से सुनिएगा, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काटेंगे और जो आ रहा है उसका गुणा ऊपर कर देंगे। तो चलिएगा, डायरेक्ट भी ऊपर कर सकते थे लेकिन खेल लग दिए, 2 से 3 बार 3 5 15, ठीक है, माइनस 6 से 6 1 बार 1 का गुणा 5 में 5, माइनस 3 से 2 बार 2 5 कितना हो जाएगा, 10। ओके, चलिएगा, अब मैं यहां पे आपको बताऊं कि ये 15 है गुड्डू और माइनस माइनस प्लस, बट चिन्ह माइनस का आएगा, 10 और 5 हो जाएगा 15 और भागा किसका, 6 का। आपको मैं बता दूं ऊपर बच रहा है 0 और नीचे बच रहा है 6, तो आंसर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0, सेकेंड ऑप्शन। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेशन में आपको समय लगे ताकि एग्जाम में समय खराब हो पाए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है सरलीकरण की, ताकि कहीं से कहीं तक दिक्कत ना आए। सरलीकरण की भी 2 वीडियो पड़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है चैप्टर तो उसको जाके देखिएगा, बहुत मस्त चैप्टर आपका हो जाएगा। बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की, तो गुड्डू क्या होता है कि जब मैं किसी संख्या में 0 से भाग देता हूं तो वो संख्या हो जाती है अपरिभाषित, लेकिन अगर मैं 0 में ही किसी संख्या से भागा देता हूं तो भैया रिजल्ट आता है 0। क्या रिजल्ट आता है? 0। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा ये रफ वर्क का 3रा सवाल आपके लिए। ठीक है भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।